उन्होंने खुद कैंडिडेट डिक्लेरेशन के समय 7,000 कैंडिडेट की जीत के प्रति अपना आश्वासन आश्वस्त किया था और पूरी पार्टी चारों पार्टियां पूरी ताकत और शिद्दत से चुनाव लड़ेंगी और अपोजिशन को ढूंढ चुकाने का काम किया। राजद और कांग्रेस के बीच जिस तरह से मास्टी लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता में भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस हाशिए पर फिर से दिख रही है, जो पिछलग्गू के रूप में कांग्रेस शुरू से पिताजी के समय में लालू जी के समय में वही काम करती थी, जो आज बेटे तेजस्वी यादव के समय में काम। तो हमको तो लगता है कि कांग्रेस अपने अंतिम सांसें गिन रही है और अब उसी के क्रम में कैंडिडेट जब पूरी जनमानस में स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस कैंडिडेट नहीं दे रही है, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए और प्रतिष्ठा बचाने के लिए पिछलग्गू की भूमिका में कांग्रेस ने प्रत्याशी दिया है, फिर उसका कोई असर चुनावी परिणाम पर नहीं होने जा रहा है। और मेरा मानना है कि महागठबंधन ये जो टूट की बात हम लोग हमेशा करते हैं कि जो अति महत्वाकांक्षा में रहने वाले लोगों की गठबंधन है, तो वो फिर दिखेगा कि वो दूर चाहता हुआ है, पता नहीं। मेरा ये मानना है कि जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग जितना प्रचार करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का वोट उतना ही बढ़ेगा। मैं तो कांग्रेस में पहले एक पप्पू थे, अब दूसरे पप्पू हुए हैं, तो मेरा ये मानना है कि कांग्रेस के प्रचार से भारतीय जनता पार्टी को जो पहले सिर्फ आधा फायदा मिलता था, अब दोगुना फायदा मिलेगा। और ऐसे जो कन्हैया टाइप के जो लोग रहेंगे, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कैंडिडेट की जीत भी सुनिश्चित है। और मेरा मानना है कि मैं तो उनको निमंत्रण दूंगा कि राहुल जी और कन्हैया जी आए और तेजस्वी जी प्रचार करें, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रचार उसी में हो जाएगा। सिंह ने कल कहा है कि सिंबल